भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जी हां, इसे भारत कहें या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी, तो एक तरह से बीसीसीआई पीसीबी को बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी 2025 में पाकिस्तान को सौंपी गई है और पाकिस्तान ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भारत ने अभी तक पाकिस्तान नहीं जाने पर या जाने पर कोई भी फैसला नहीं लिया है और ना ही कोई आधिकारिक बयान अभी तक बीसीसीआई की तरफ से सामने आया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी के बारे में पूरा जान लीजिए कि आखिर ये माजरा क्या है। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी और मैं हूं विकास गौड़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने यह तय कर लिया है कि 1 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा। पीसीबी ने इसका ड्राफ्ट आईसीसी को भेज दिया है। आईसीसी बीसीसीआई से बात करके इस शेड्यूल को फाइनल करेगी। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने कोई भी जवाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर नहीं दिया है कि वे खेलने जाएंगे या नहीं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बीसीसीआई के सचिव जयसवाल ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अभी तक कोई भी फैसला नहीं जाने या जाने पर नहीं लिया गया है। भारत सरकार को यह तय करना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू कर दी है। मोटा पैसा इसमें लगने वाला है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? जी हाँ, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, या यूं कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। एक पल के लिए मान लिया जाए कि बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से हट जाती है तो फिर कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में खेलेगी? मौजूदा समय में श्रीलंका की टीम के भारतीय टीम के जगह लेने के आसार हैं, क्योंकि श्रीलंका की टीम ही जब 2023 के वनडे विश्व कप के दौरान जब रैंकिंग तय हुई थी तो श्रीलंका की टीम उस समय 9वें नंबर पर थी। उसी आधार पर श्रीलंका की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलता। हालांकि भारतीय टीम ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। अगर भारतीय टीम आखिरी मौके पर ये मना करती है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को या तो झुकना पड़ेगा या फिर मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम नहीं जाएगी तो जाहिर तौर पर ब्रॉडकास्टर इससे नाराज होंगे और वो इतनी फीस नहीं दे पाएंगे और इससे आईसीसी को भी नुकसान होगा और आईसीसी को भी इसके आगे झुकना पड़ेगा। तो एक ही मॉडल इस पर काम करेगा, वो है हाइब्रिड मॉडल। जी हाँ, अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भारत की टीम के साथ आयोजित करनी है तो फिर हाइब्रिड मॉडल के बारे में अभी से सोचना होगा। या तो यूएई में मैच करा लिए जाएं या फिर किसी अन्य शहर में या फिर किसी अन्य देश में पाकिस्तान से बाहर, चाहे फिर वह श्रीलंका हो सकता है, यूएई हो सकता है या फिर बांग्लादेश। ऐसा ही कुछ हमने एशिया कप 2023 के दौरान भी देखा था। पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट की मेजबानी थी लेकिन श्रीलंका को उस टूर्नामेंट के लिए संयुक्त मेजबान के तौर पर देखा गया था, क्योंकि पीसीबी ने अपने आधे से ज़्यादा मैच और फाइनल समेत मैच श्रीलंका में आयोजित किए थे। सिर्फ कुछ 4-5 मैच ही पाकिस्तान में आयोजित हो सके थे। तो ऐसा ही कुछ अब वहाँ भी हो सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की फैन फॉलोइंग और यहाँ की व्यूअरशिप। जी हाँ, अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगी तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी को देखेगा कौन? पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड मैच कौन देखने जाएगा? वहाँ की पॉपुलेशन देख सकती है जिन देशों के मुकाबले होंगे, लेकिन भारतीय टीम का होना ही उस टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर भारतीय टीम नहीं होगी तो निश्चित रूप से आईसीसी को भी झुकना होगा और पीसीबी को तो इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। तो अभी तक बीसीसीआई ने क्लियर नहीं किया है कि टीम जाएगी पाकिस्तान या नहीं जाएगी, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए शायद खिलाड़ी भी तैयार ना हो। सरकार तो बाद में फैसला ले ही लेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर उनको बोला जाए कि आपको पाकिस्तान खेलने के लिए जाना है तो शायद भारतीय खिलाड़ी भी तैयार ना हो इसके लिए। लेकिन वो एक बात का सवाल है, पहले बीसीसीआई को फैसला लेना है, बीसीसीआई को भारत सरकार से कंसल्ट करना है। अगर भारत सरकार अनुमति देगी
तो फिर बीसीसीआई खिलाड़ियों से बात करेगी। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से पहले पाकिस्तान के लिए यही सवाल है कि पाकिस्तान भले ही टूर्नामेंट को अपने यहाँ आयोजित करने का पूरी प्लान बना चुका हो, और ड्राफ्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पीसीबी ने जो ड्राफ्ट शेड्यूल आईसीसी को भेजा है उसमें ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को रखा है, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम को रखा है। पीसीबी ने जो स्टेडियम फाइनल किए हैं वो लाहौर, कराची और रावलपिंडी के हैं। इंडिया के सभी मैच अभी के लिए लाहौर में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा वो 1 मार्च को रखा गया है, लेकिन इसमें भी ये बता दिया है अभी भी बीसीसीआई का अप्रूवल उनको चाहिए, इसके बाद ही ये शेड्यूल हो सकता है। अगर बीसीसीआई इस बात की अनुमति देती है कि 1 मार्च को वो पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई भी बात आईसीसी के लिए नहीं रहेगी। लेकिन अगर बीसीसीआई अप्रूव नहीं करती है तो फिर आईसीसी और पीसीबी दोनों को बीसीसीआई से बात करनी होगी और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। 19 फरवरी से 9 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन कराने की प्लानिंग पीसीबी ने की है और 10 मार्च को फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा है। लेकिन सवाल वही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर ये जल्दी में कोई फैसला नहीं लिया गया या आईसीसी पर पाकिस्तान ने नहीं दबाव डाला कि जल्दी से हमें इस चीज़ की अनुमति दिलाई जाए कि भारतीय टीम आएगी, तो फिर वहाँ इतनी ज़्यादा तैयारी तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान का मोटा पैसा स्टेडियम को रेनोवेट कराने या स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कराने में लग जाता है या जो भी खराब चीज़ें हैं उसमें लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए इससे उबरना कठिन हो जाएगा। एशिया कप 2023 में हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप को आयोजित किया गया था तो श्रीलंका के कुछ बकाया थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और वो बकाया दिसंबर तक शायद चुकता नहीं हुए थे। ये एक बड़ा सवाल है कि जब एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई वहां से नहीं हुई, तो फिर बिना टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर पाएगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।